बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के तत्वाधान में संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद कुमार मल ने यात्रा के पांचवें दिन टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा से महानगर में रैली निकाली। आपको बता दें कि यह रैली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ, जो कि बैंक रोड, विजय चौक, गणेश चौक, शास्त्री चौक होते हुए कचहरी चौराहे पर पहुंची, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर छात्र संघ चौराहे पर स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित करने के बाद विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क पर समाप्त हुई, जिसके संबंध में बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक व गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद मल ने बताया कि 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हमारी यह यात्रा संविधान यात्रा के रूप में निकाली जा रही है। देश में शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारे के उद्देश्य से विगत 5 वर्षों से देश के विभिन्न इलाकों में निकाली जा रही है। यह यात्रा बुद्ध, कबीर, महात्मा गांधी, गुरु गोरक्षनाथ के विचारों की यात्रा है, जिसके माध्यम से इन महापुरुषों की शिक्षाओं को जनता में प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर फादर साबू, सिराज अहमद अब्दुल्ला, परवीर गुप्ता, सरदार जसपाल सिंह, H.S. मल, शैलेंद्र कबीर, जगदम्बा राज देवयानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संस्थापक व गुजरात के पूर्व DGP डॉक्टर विनोद कुमार मल ने कहा, आप सभी इस यात्रा में 100 कदम हमारे साथ चलें, भारत की साझी विरासत की इस यात्रा में आएं, भारत की गौरवशाली परंपरा में आपके नफरत ताकतों के विरुद्ध जिन्होंने हमेशा हम लोगों के बीच बंटवारा, ये देश इंसानियत का देश है, शांति का देश है, कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला हमें अपने घर से निकालेगा, कोई बाहर वाला हमें अपने घर से निकालेगा, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, प्रेम करो देश प्रेमियों, मीठे पानी में तुम जहरीले ना घोलो, मीठे पानी में तुम जहरीले ना घोलो, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। और इस संविधान को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के हर समाज, हर राज्य, हर भाषा, हर धर्म के लोगों ने अपना योगदान दिया है। संविधान के जो मूल्य हैं, समता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे मूल्यों के लिए हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई के साथ साथ
हम इन अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे। हमारी आजादी की लड़ाई में बहुत बड़े बड़े लोग पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग बैकग्राउंड से लोग शामिल थे, और आजादी के समय जब आजादी पाने के समय जब संविधान बन रहा था तो उतने संघर्षों को, भारत की सामाजिक स्थिति को, भारत के इतिहास को और भारत की परंपराओं को संविधान में शामिल किया गया है। और वही संविधान के मूल्य हैं जो उसे कबीर तक अपने कार्यक्रमों में आप सबके समक्ष लाता है। बुद्ध से कबीर तक यात्रा का उद्देश्य आप जानते हैं कि सर्वधर्म संभाव को मजबूत करना है, यही संविधान में भी कहा गया है। संविधान के प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द यानी कि पंथनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो हरेक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हरेक व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। ये स्वतंत्रता जो हमें संविधान ने दी है और जो कि एक बहुत बड़े संघर्ष का नतीजा है, हम उसको खोना नहीं चाहते। आजकल ऐसा माहौल हो गया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म और जात के नाम पर ज्यादा कुछ लड़ाइयां हो रही हैं। अभी हमारे प्रेरणा कला मंच के साथियों ने आपके समक्ष गीत प्रस्तुत किया और दोनों गीत में साथ में रहने की बात हुई थी। ये बुद्ध से कबीर तक यात्रा है, 22 नवंबर से शुरू हुई थी और आज इसका आखिरी दिन है। आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस पे मैं सभी गोरखपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। बुद्ध से कबीर तक यात्रा संविधान के मूल्यों को ही मजबूत करने के लिए है। भारत की साझी विरासत, जो हम सबकी विरासत है, हम सब लोग मिल करके रहते हैं, उसी को मजबूत करने के लिए अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम संदेश लेकर घूमते हैं। और ये यात्रा पिछले 5 दिनों से गोरखपुर शहर में, बड़हलगंज में, महाराजगंज में, देवरिया में, अलग अलग जगहों पर तथा शैक्षणिक संस्थानों में गई है। यात्राएं अलग अलग जगहों पर निकाली गई हैं और बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए हैं। आज संविधान दिवस है, आज गोरखपुर शहर में यात्रा है और आज शाम में फातिमा कॉलेज के PGSS ऑडिटोरियम में हमारा समापन कार्यक्रम है, जो संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए ही रखा गया है।